ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर कल वोटिंग समाप्त हो गई थी, जिसके बाद अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल भी सामने आए। तो वहीं फलोदी सट्टा बाजार का भी एक अनुमान सामने आया। राजस्थान से हमारे संवाददाता विमल भाटिया की जानकारी के अनुसार फलोदी सट्टा बाजार का जो अनुमान सामने आया है वो आपको हम बताएंगे। तो फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हुए चुनाव में 9 सीटों में से 6 से 7 सीट भाजपा को आने की संभावना है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट आने की संभावनाएं यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि फलोदी सट्टा बाजार भाजपा को यहाँ पर आगे दिखा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2 से 3 सीटें पीछे दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 2022 के विधानसभा चुनावों से इस उपचुनाव की तुलना करते हैं, 2022 में 5 सीटें सपा जीती थी तो 5 सीटें बीजेपी जीती थी। तो अगर यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार का ये जो अनुमान है सही साबित होता है तो उस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी 7 सीटें यानी कि 2 सीटें ज्यादा यहां पर जीत सकती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 2 से 3 सीटें इसकी कम हो रही है। अब देखना ये होगा कि जब रिजल्ट सामने आएगा तो सट्टा बाजार के सटोरियों का ये अनुमान कितना सच साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।